ओम गणपति नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस क्या हैं जिनकी वजह से शादी में देरी होती है, कौन से ऐसे प्लैनेट्स, कौन से ऐसे हाउसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं जो शादी में देरी करते हैं और लंबे समय तक हम शादी के लिए माँ बाप लड़के लड़कियाँ शादी के लिए घूमते रहते हैं और शादी नहीं हो पाती है। इसमें हम वही रीज़न कवर करेंगे जो शादी में डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिनाइल इसमें कवर्ड नहीं है। पहले हम जानते हैं कि शादी के लिए बर्थ चार्ट के कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल हैं। हाउसेज जो सेवन्थ हाउस है उसको हाउस ऑफ मैरिज कहा जाता है। जब हम शादी के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं वो किसी के बर्थ चार्ट से सेवन्थ हाउस से ही डिस्कस किया जाता है। हमारा जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे कुटुंब का, हमारी फैमिली का घर होता है। वो डिपिक्ट करता है कि हमारे परिवार जो है वो उसके उसमें कहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर लड़की आती है तो हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली की मर्जी से आ रही है, उनकी मर्जी के बगैर आ रही है, वो हमारे घर में हमारी फैमिली का पार्ट बनती है। उसके बाद फोर्थ हाउस वो होता है जो फैमिली कंफर्ट है। आपने शादी कर ली तो आपको फैमिली में उसमें कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पारिवारिक सुख है या नहीं है, ये हमारा फोर्थ हाउस डिक्टेट करता है। फिफ्थ हाउस है हमारा हाउस ऑफ लव। हमारे जो लव अफेयर है वो फिफ्थ हाउस से निकलते हैं। अगर आपका वाइफ के साथ प्यार नहीं है तो किसी न किसी मामले में फिफ्थ हाउस उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो शादी से पहले या शादी के बाद बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी आपका लव अफेयर्स होगा वो फिफ्थ हाउस से डील करेगा। बेडरूम कंफर्ट जो है वो हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। सो अगर आपने शादी की है उसमें आपको बेडरूम या सेक्स का कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है तो वो हमारा ट्वेल्थ हाउस उसको डिक्टेट। सो इसका मतलब ये है कि जो हाउसेस बताए हैं उन सभी की कहीं ना कहीं आपके सक्सेसफुल मैरिज में इन्वॉल्वमेंट है। सेवन्थ हाउस मेन हाउस है, हाउस ऑफ फैमिली। अगर आपकी फैमिली उस शादी से रजामंद नहीं है या ऑब्स्ट्रक्शन है या वो लड़की आके शादी आपकी या लड़का आके आपकी जो फैमिली में डिस्टर्बेंस पैदा करता है तो सेकेंड हाउस इज अफेक्टेड। अगर आपको शादी करने के बाद घर में सुख नहीं मिलता है तो इसमें इसका मतलब फोर्थ हाउस इज अफेक्टेड। अगर आपका बीवी के साथ प्यार नहीं बनता है शादी के बाद तो फिफ्थ हाउस इज अफ्लिक्टेड। अगर आपका ट्वेल्थ हाउस जहाँ पे आपने एक सेक्स फैमिली शादी के बाद एक सेक्स लाइफ एंजॉय करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं तो ट्वेल्थ हाउस इज अफेक्टेड। सो सभी हाउसेज का अपना अपना एक रोल है और ये सभी हाउसेज कोई मैलिफिक प्लैनेट या दुष्ट प्लैनेट्स के एफ्लिक्शन से परे होने चाहिए। अगर इसमें बेनिफिक हैं तो आपको बेनिफिट देंगे, अगर मैलिफिक हैं तो इनमें प्रॉब्लम करेंगे। मैरिज का जो कार्क प्लैनेट होता है वो मेल के केस में वीनस रहता है, फीमेल के केस में जुपिटर रहता है। सो अभी हम देखते हैं कौन से प्लैनेट्स का रोल हमारी शादी में होता है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड वीनस जो है वो आपका लव एंड सेक्स लाइफ के लिए, मार्स आपका वाइटलिटी एंड सेक्स के लिए, मून आपका लव के लिए। ये प्लैनेट्स की प्लेसमेंट सही होगी तो आपकी शादी अच्छी चलेगी और जल्दी अपना सही समय पे हो जाएगी। जो प्लैनेट डिस्टर्ब करते हैं मैरिड लाइफ को, सैटर्न किसी भी एक्शन को लाइफ में डिले करता है। अगर वो सेवन्थ हाउस में सैटर्न प्लेस होता है तो उसको डिले और डिनाई कर सकता है। डेबिलिटेटेड मार्स, अगर मार्स की मंगल की पोजीशन खराब हो तो वो मैरिड लाइफ को डिले करता है। वेनिंग मून, जो मून जिसकी पावर नहीं है, जो अस्त हो रहा है, वो भी एक डिस्टर्बेंस करता है। राहु केतु, ये सभी प्लैनेट्स आपके जो मैरिड लाइफ का है या मैरिज का प्रपोजल है इन सभी को डिले करते हैं।
अभी हम जानते हैं कौन से प्लैनेट्स की क्या पोजीशन पे शादी डिले होती है। सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में हो, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में हो तो शादी डिले हो जाती है। सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर मेलिफिक का इफेक्ट हो और सेवेंथ लॉर्ड कंबस्ट हो, कंबस्ट मींस सूरज के बहुत नज़दीक आने पे एक प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। अगर सेवेंथ लॉर्ड के साथ में कोई शनि, राहु, मंगल, केतु ये प्लैनेट आ जाते हैं तो सेवेंथ लॉर्ड की पोजीशन खराब हो जाती है और ये शादी डिले करता है। सेकंड, फोर्थ एंड ट्वेल्थ हाउस, इनके ऊपर मल्टीपल एफ्लिक्शन हो, मतलब उनमें एक नहीं, मतलब कम से कम दो या तीन जो है मेलिफिक प्लैनेट्स उनके ऊपर इफेक्ट करते हो तो शादी डिले करते हैं, क्योंकि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है और ट्वेल्थ हाउस एज इट इज लॉस का हाउस है, वो उसमें भी आपको नुकसान करता है। जुपिटर इन केस ऑफ गर्ल्स एंड वीनस इन केस ऑफ बॉयज, अगर ये सिक्स, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में हो तो ये मैरिज को डिले कर देता है। सैटर्न लगन में बैठ के देखे सेवन्थ हाउस को, या सेवन्थ हाउस में हो तो ये शादी डिले करेगा। अगर ये सेकेंड या एट्थ हाउस में होता है तब भी ये शादी को डिले कर देता है। अगर सैटर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और सेवन्थ हाउस को आस्पेक्ट करता है तो ये शादी को डिले करता है। सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में आ जाता है, फिफ्थ हाउस होता है आपके लव अफेयर्स का, आपका वाइफ के लिए इंटरेस्ट, वो उसमें भी वो डिले कर देता है। शुक्र जो है, जो मेन लड़कों के केस में शादी का कारक है, अगर वो कंबस्ट हो जाए, सूरज के बहुत पास आ जाए तो ये अगेन डिलेड मैरिज का केस है। मून का कंबस्ट होना भी डिलेड करता है। अगर लगन लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में प्लेस हो जाए तो ये शादी डिले करता है। एट्थ हाउस जो हमारा, हम उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर एट्थ का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आ जाए, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपके शादी में आ रही हैं, आपके शादी वाले घर में आ गई हैं, तो उसमें आपके प्रपोजल जो होते हैं वो रोज रिश्ते आते हैं और कोई ना कोई पीछे से कुछ बता देता है और वो रिश्ता टूट जाता है। सैटर्न या मार्स जब भी सेवन्थ हाउस में बैठते हैं तो वो शादी को डिले करते हैं। सैटर्न तो एज इट इज डिलेइंग फैक्टर है, मार्स एक अग्रेशन है जो एक ईगो देता है। जब भी आप लड़का लड़की देखने जाते हैं तो आप अपने ईगो की वजह से उस रिलेशन को, प्रपोजल को रिजेक्ट करके आ जाते हैं। जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाए और अफ्लिक्टेड हो जाए, मतलब जो आपका शादी का मेन कारक है अगर वही वक्री चल रहा है और अफ्लिक्टेड है तो शादी लेट होगी। ये कुछ कॉम्बिनेशन थे जो मैंने आपको एक मेष लगन की कुंडली में बना के आपको दिखाए हैं। आपके कुंडली में एग्जैक्ट जो रीजंस हैं वो देखने के बाद ही बताए जा सकते हैं, बट एक जनरली आप अगर आपने इन प्लैनेट्स को या इन हाउसेस को आप कंपेयर करें अपने चार्ट के साथ तो आप यू विल रियलाइज कि आपके अंदर शादी में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। शनि का उपाय करना है, मंगल का उपाय करना है, अगर आपका शुक्र डूब गया है उसका उपाय करना है, अगर राहु के तो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसको उपाय करना है, अगर आपका चार्ट अदरवाइज स्ट्रांग है तो जनरली उपाय से शादी जो लेट के चांसेस हैं आप उनको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं कवर करूंगा कि शादी जो डिनाइल के क्या रीजंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट पे शेयर करें ताकि जो लोग इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, डेली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो समझ सकें कि शादी इसकी वजह क्या है। हम लड़के या लड़की या उसके माँ बाप या उसकी फैमिली बैकग्राउंड को रीज़न मान के उसके लड़की के या लड़के के ऊपर तोहमत ना लगाते रहें। हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखें किस में प्रॉब्लम है, हो सकता है ये किसी की हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।